इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। डॉक्टर के बताए खुराक के अनुसार प्रत्येक भोजन से आधा घंटा पहले डॉमस्टल 10 मिलीग्राम टैबलेट लें। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। आपको दवा लेना तब तक जारी रखना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर आपसे उसे रोकने के लिए न कहे। डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दें, क्योंकि इनमें से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस दवा का प्रभाव उन पर पड़ सकता है। सबसे सामान्य साइड इफेक्ट सिर दर्द, मुंह सूखना और पेट में दर्द हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इससे चक्कर भी आ सकते हैं। जब तक आप यह न जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक ड्राइव या ध्यान केंद्रित करने वाले कोई भी काम न करें। इस दवा को लेने के दौरान शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे दुष्प्रभाव खराब हो सकते हैं। इस दवा से डायरिया भी हो सकता है, इसलिए इसे लेते समय अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना बेहतर होता है, क्योंकि यह डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद कर सकता है। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको लिवर या किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। आपको इसे एंटासिड के साथ में या उसी समय नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। पेट में खून बहने वाले अल्सर से पीड़ित होने पर आपको इस दवा से बचना चाहिए। डॉमस्टल टैबलेट के मुख्य इस्तेमाल। ट्रीटमेंट ऑफ इंडिजेस्टन, ट्रीटमेंट ऑफ नौसिया, ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग। डॉमस्टल टैबलेट के लाभ। ट्रीटमेंट ऑफ इंडिजेस्टन, अपच का अर्थ है पेट के ऊपरी हिस्से की परेशानी, जिसमें पेट में दर्द, सूजन, पेट भरा हुआ महसूस करना आदि लक्षण हो सकते हैं। डॉमस्टल 10 मिलीग्राम टैबलेट पेट और आंत में भोजन की गति में सुधार करता है। यह इन लक्षणों से राहत देता है और भोजन को सही से पचने में मदद करता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉमस्टल 10 मिलीग्राम टैबलेट लें। इस बारे में सोचें कि कौन से फूड्स अपच को ट्रिगर करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें। छोटी छोटी मील्स को कई बार में लें। यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजें। बिस्तर पर जाने के 3-4 घंटे के भीतर भोजन न करें। ट्रीटमेंट ऑफ नौसिया, डॉमस्टल 10 मिलीग्राम टैबलेट आपके शरीर में आपको बीमार करने वाले या बीमार महसूस करवाने वाले केमिकल्स की क्रिया को ब्लॉक करता है। इसका उपयोग अक्सर कुछ दवाओं के कारण होने वाली जी मिचलाने और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। जी मिचलाने और उल्टी को कुछ समय तक कंट्रोल करने के लिए कम से कम डोज वाली दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह ऑपरेशन के बाद केवल वयस्कों में मिचली और उल्टी को रोकने में भी असरदार है। डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं, लेकिन इस दवा को हमेशा वैसे ही लें जैसे बताया गया है। डॉमस्टल टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉमस्टल के सामान्य साइड इफेक्ट। सिर दर्द, मुंह में सूखापन, पेट में दर्द, डायरिया, दस्त। डॉमस्टल टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। डॉमस्टल 10 मिलीग्राम टैबलेट को खाली पेट लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।